पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों, दुनिया की बेहतरीन और बहादुर तरीन फोर्स के कमांडर के तौर पे मुझे एक महीना हो चुका है। इस मुल्क की सलामती और बका और लोगों की खिदमत ये तब ही मुमकिन है जब आपकी वेलफेयर हो सके। इसके लिए इस एक महीने में कुछ इकदामात उठा लिए गए हैं, फैसले कर लिए गए हैं और उसके सिलसिले में उन पर अमल शुरू हो चुका है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मुकम्मल हो चुका है। दहशतगर्दी की सूरत में जख्मी होने वाले किसी भी पुलिस वाले को पहले 10 लाख रुपए दिया जाता था, जिसको बढ़ा के माइनर इंजरी को 25 लाख रुपए कर दिया गया है। मेजर इंजरी की सूरत में पहले 30 लाख रुपए दिए जाते थे, जो बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। क्रिमिनल्स के साथ लड़ाई में माइनर इंजरी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है और मेजर इंजरी की सूरत में उन गाजियों को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक चेयर्स और व्हील चेयर्स या इसके अलावा इलेक्ट्रिक बेड्स या उनके लिए वो गाड़ियां, ये इसके अलावा है। ट्रैफिक में माइनर इंजरी वाले को 1 रुपया भी नहीं मिलता था, जो दौराने ड्यूटी उसकी चोट लगा करती थी, इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेजर इंजरी वाले को कुछ नहीं मिलता था, जब वो ट्रैफिक में जख्मी होता था एक्सीडेंट में, उसको 0 रुपए बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बेटियां हमारे पे रहमत हैं, हर बेटी की शादी में आपकी बेटी को हमारी तरफ से वेडिंग गिफ्ट बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है और यह तमाम बेटियों के लिए मौजूद है। इसी तरह स्कॉलरशिप्स जो कुछ साल से फंसी हुई थी, इनमें 34 करोड़ रुपया आप लोगों को 30 जून तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से 17 करोड़ रुपया अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। वेडिंग में गिफ्ट देने में हम 27 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। फ्यूनरल में 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, यानी हम 3 करोड़ रुपए से बढ़ा के इस रकम को 6 करोड़ कर चुके हैं। मेंटेनेंस जो कि 2017 से पहले वाले केसेस के लिए थी, जो कि बेवाओं की बहुत कम थी, उसको मिनिमम वेजेस के बराबर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यह रकम 8 करोड़ के बढ़ा के 25 करोड़ रुपए कर दी गई है और बजरिया चेक इसकी पेमेंट शुरू है। आपके लोन्स जो आप अपने डीपीओ, आरपीओ, सीसीपीओ या यहां से लेते थे, उनको लगातार डबल कर दिया गया है। ये तमाम फैसले हो चुके, इन पे अमल शुरू, चेक्स डिलीवर हो चुके। 120 करोड़ रुपए की वो रकम जो डेथ इन सर्विस वालों की पेंडिंग थी, पंजाब हुकूमत की मेहरबानी से आपको दी जा चुकी है। पहले वाले वेलफेयर के पैसे जो मैंने बताए, वो हमारे और आपकी तनख्वाहों के कटे हुए पैसे हैं, जो बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा शोहदा को घर देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और उसमें 80 करोड़ रुपए के घर इनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर घर सिलेक्ट होकर चाबियां मिलकर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। यह रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है उस खिदमत का जवाब में जो आप इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ, बदमाशी के खिलाफ, क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ, रेपिस के खिलाफ, मुनशियात फरोशों के खिलाफ। वो नजरें बुरी और वो हाथ बुरे जो बच्चों और औरतों की तरफ बढ़ते हैं, आप पे फर्ज है कि इस रकम के आने के बाद इन तमाम फराइज को जो हमने यहां पे एक महीने में सर अंजाम दे दिए, इसके बाद आप इस मुल्क की बेहतर हिफाजत करेंगे, आप लोगों को इज्जत से पेश आएंगे। याद रखें, आप पे फर्ज है पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तानियों की खिदमत। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।